के मुलिक न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स ने आज बंद का आह्वान किया। इस बंद का असर जम्मू में देखने को मिला, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स की ये मांग है कि जिस तरह से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सरकार को चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टर्स के हितों में कोई फैसला ले। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रियासत में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया। बंद के कारण सड़क पर कोई भी कमर्शियल वाहन दौड़ता नजर नहीं आया। हड़ताल के चलते स्कूली छात्रों और दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आम जनता सड़कों पर कई घंटों तक गाड़ियों का इंतजार करती नजर आई। यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, हमें एग्जाम देने जाना है। बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं, कोई बस नहीं आ रही है और परेशानी हो रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका कंक्लूजन निकाला जाए और जो ये मसला है इसको हल किया जाए ताकि गाड़ियाँ बस चल पड़े और हमें कोई परेशानी ना आए। जिस तरह से डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, ट्रांसपोर्टर्स की मांग है कि किराए में वृद्धि की जाए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार तेल के दामों में लगातार इजाफा कर रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को कोई भी सुविधा नहीं दे रही। किसी ने हमारे साथ कोई बात नहीं की और आज हम मजबूर होकर सड़कों पे हैं और हमें चक्का जाम करना पड़ा अपनी जेन्युइन डिमांड्स के लिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जहां ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहा है और सरकार हर रोज तेल के दामों में इजाफा कर विपक्ष को चिढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू लिंक्स न्यूज।